हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एल्बो जॉइंट पोजिशनिंग। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट की पोजिशनिंग कितने व्यूज होते हैं, बेसिक व्यूज क्या हैं इसके, है ना। दोस्तों, एल्बो जॉइंट के बेसिक तीन व्यूज होते हैं, एपी व्यू, लेटरल व्यू और ऑब्लिक व्यू। ठीक है दोस्तों, ऑब्लिक में हम इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक दोनों व्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले एल्बो जॉइंट का एपीयू की पोजीशन देख लेते हैं, कैसे करना है एल्बो जॉइंट का एपीयू। ठीक है, जिसके लिए हमें 10-12 साइज का कैसेट चाहिए होता है। ठीक है, और इसकी जो सेंटरिंग होती है, सेंट्रल रे होती है, मिड एल्बो जॉइंट में होती है। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी पोजीशनिंग करनी है, है ना। और मार्कर रखा लगा लीजिए। ठीक है, ये मार्कर लगा लिया हमने, और इसकी जो सेंट्रल रे है वो मिड एल्बो जॉइंट में करना होता है इसकी सेंटरिंग। और कॉलिमेटर ऑन कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों अब एल्बो जॉइंट का ऑब्लिक व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एल्बो जॉइंट का ऑब्लिक व्यू हम एक्सटर्नल ऑब्लिक या लेटरल ऑब्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक की पोजीशनिंग लगा ली है। ठीक है, कैसे पोजीशन करना है। ठीक है, और इसे जो सेंट्रल रे है वो मिड एल्बो जॉइंट में करनी है। ठीक है, और मार्कर और कॉलीमीटर ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिडियल ऑब्लिक या इंटरनल ऑब्लिक की पोजीशन देख लेते हैं, कैसी करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें मिडिल ऑब्लिक या इंटरनल ऑब्लिक की पोजीशन एल्बो जॉइंट की करनी है। ठीक है, उसमें सेंट्रल रे दोस्तों इसमें भी मिड एल्बो जॉइंट में करनी है इसकी सेंट्रल रे। ठीक है, और कॉलिमेटेड बीम रखना है। ठीक है, जैसा देख पा रहे हैं आप सेंट्रल बीम। ओके, मार्कर दोस्तों अब हम एल्बो जॉइंट की फाइनल पोजीशन और बेसिक व्यू लेटरल व्यू देख लेते हैं। ठीक है, कि लेटरल व्यू को कैसे करना है, इसकी पोजीशनिंग कैसे करना है, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम। तो इस टाइप से इसकी पोजीशनिंग करना है एल्बो जॉइंट लेटरल व्यू की। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो सेंट्रल रे है, ठीक है दोस्तों, मिड एल्बो जॉइंट में करना है। ठीक है, इसका सेंट्रल रे मिड एल्बो जॉइंट में करना है, या हेड अप रेडियल हेड में करना है। ठीक है, इसकी सेंटरिंग। ठीक है दोस्तों, रेडियल हेड या मिड एल्बो जॉइंट में इसकी सेंटरिंग करना होता है। ठीक है, और कॉलिमेटेड बीम ऑन कर लीजिए और मार्कर आप लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका टेक्निकल फैक्टर देख लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।